भारत में 4G नेटवर्क अब बीते जमाने की बात होने वाला है, क्योंकि जल्दी ही देश को 5G स्पीड का अनुभव मिलने वाला है, जो कि 4G से 10 गुना ज्यादा तेज होने की संभावना है। इसे लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, बस यह तय होना है कि इस नेटवर्क का मालिकाना हक किसे जाता है। बता दें कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी आज यानी मंगलवार को शुरू हो गई है। इसकी प्रक्रिया सुबह 10 बजे से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। बोली लगाने वालों में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, अडानी डेटा नेटवर्क्स 5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएंगे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के सूत्रों ने जानकारी दी कि नीलामी के दिनों की संख्या रेडियो वेव्स की एक्चुअल डिमांड और इंडिविजुअल बिल्डर्स की स्ट्रेटजी पर निर्भर करेगी। नीलामी के दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपए के कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को ब्लॉक पर रखा जाएगा। इसकी वैलिडिटी 20 साल की होगी। नीलामी विभिन्न लो फ्रिक्वेंसी बैंड, मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी बैंड रेडियो वेव्स के लिए होंगी। नीलामी में सफल रहने वाली कंपनी इसके जरिए 5G सर्विस मुहैया करा सकेंगी। इसके मौजूदा 4G सर्विस से 10 गुना ज्यादा तेज होने की संभावना है। तो दोस्तों, जैसे 5G एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो हम आपके लिए आज इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे 5G और 4G में आखिर अंतर क्या होता है। एक तरफ जहां 4G अपने टॉप स्पीड 100 Mbps तक पहुंच सकता है, वहीं 5G में 4G की तुलना 100 गुना तेज होने की क्षमता है। 5G की टॉप थियोरेटिकल स्पीड 20 Gbps हो सकती है, जबकि रियल वर्ल्ड में 50 Mbps से 3 Gbps तक है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि 4G और 5G की लेटेंसी में आखिर अंतर क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर लेटेंसी क्या होती है। इंफॉर्मेशन के एक पैकेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो टाइम लगता है, उसी को हम लेटेंसी कहते हैं। फिलहाल 4G नेटवर्क में लेटेंसी लगभग 50 मिलीसेकंड है, जबकि 5G में 50 गुना तेज होने से 1 मिलीसेकंड तक पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि कवरेज की अगर बात करें तो दोनों में बेहतरीन कौन सा है। तो कवरेज की बात करें तो भारत में 4G को आए हुए 1 दशक से भी अधिक हो गया है, लेकिन आज भी दूर दराज के ऐसे गाँव हैं जहाँ इसकी पहुँच नहीं बन पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि 5G को 4G के बराबर कवरेज तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। अभी अब बात करें अगर डिवाइस कनेक्टिविटी की, किसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है 5G की या 4G की, तो 4G में एक ही जगह पर कई डिवाइस को संभालने में परेशानी होती है। आमतौर पर हम सभी ने महसूस किया होगा कि किसी कार्यक्रम में या कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान फ़ोन को इस्तेमाल करने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 5G में प्रति वर्ग किलोमीटर 10 लाख डिवाइस संभालने की क्षमता है। 5G डेटा नेटवर्क में डेटा डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो 20 Gbps तक डेटा डाउनलोड किया जा सकता है। यह एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है, जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। पहला लो फ्रीक्वेंसी बैंड, जिसमें एरिया कवरेज में सबसे बेहतर होता है, वह इंटरनेट स्पीड 100 Mbps तक मिल सकती है। दूसरा मिड फ्रीक्वेंसी बैंड, जिसमें इंटरनेट स्पीड लो बैंड से ज़्यादा 1.5 Gbps मिल सकती है। वहीं एरिया कवरेज लो फ्रीक्वेंसी बैंड से कम, लेकिन सिग्नल के मामले में अच्छा होगा। तीसरा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, जिसमें इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा 20 Gbps मिल सकती है। वहीं इसका एरिया कवरेज सबसे कम होगा, लेकिन सिग्नल के मामले में भी अच्छा रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस स्टोरी से रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस स्टोरी को हमारी टीम के कंटेंट राइटर इंद्रजीत सिग्दे तैयार किया है। धन्यवाद।